सीकर में चर्चित गुहाला प्रकरण में आज सर्व समाज मिल गए निष्पक्ष जांच करने की मांग करी है। खातर ज्ञापन सौंपियो है। राजनीति के षड्यंत्र के चलते है जिकी निर्दोष व्यक्ति फसाए जा रहे है। बात तो यही है ना कि भाई उसको किसी ने मारा है एक सोसाइटी। यदि परिवार के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले हम लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है। यदि मैं सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो मुझे ऐसा नेता नहीं बनना। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी, आप लोग भरोसा रखो और आप चाहो तो आप जिस अधिकारी को बताओ उसको जांच के लिए। राम राम दर्शकों, मैं हूं मनोज और थे देख रहा हूँ झलको सीकर। झलको सीकर पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि सीकर जिले के अपडेट थाने उपलब्ध करवा सका। फिलहाल सीकर की खबर की बात कर रहा हूं तो सीकर में चर्चित गुहाला प्रकरण में आज सर्व समाज मिल गए निष्पक्ष जांच करने की मांग करी है। खातर ज्ञापन सौंपियो है। पूरे मामले की यदि बात कर रहा हूं तो कई दिन पहले हैज को एक व्यक्ति की हत्या को मुकदमे की गिरफ्तारी हुई ही। बड़ी सर्व समाज को कहना है कि आत्महत्या को जो मामलो है ना, हत्या की गलत प्राथमिकी दर्ज करा गए राजनीति के षड्यंत्र के चलते है जिकी निर्दोष व्यक्ति ने फसाए जा रहे है। और आगे आप सुनांगा कि सर्व समाज का लोग अठे एकत्रित हुए है कि कुछ कह रहे हैं। जिन लोगों ने इस काम को गलत तरीके से प्रशासन के सामने पेश किया है, मैं मेरे भाइयों के माध्यम से, मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के माध्यम से खुला चैलेंज देता हूँ। यदि न्याय की बात आप करोगे तो हम आपके साथ रहेंगे। यदि न्याय की बात करोगे तो सबसे बड़े लड़ने वाले हम लोग रहेंगे। हम तेजा जी के वंशज है, हम जयनाथ महाराज के वंशज है। हमने आज तक के हमारे इतिहास में हम लोगों से आप बुजुर्गों से सीखा है जब भी कभी अन्याय के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी है तो हम लोगों ने न्याय के साथ उस साथ न्याय किया। ये राजनीतिक सरगर्मियां आती जाती रहेंगी, हम लोगों को यही रहना है। हम आपस में पारिवारिक रूप से पहले भी रहते थे, राज ही रहेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी आदमी के प्रति राजनीतिक कुंठा रखते हैं, गलत यदि कदम प्रशासन भी उठाता है तो मैं खुली आपके मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ। उस दिन तो चलो ठीक है, हमने सोचा प्रशासन सही करेगा या हो सकता है समय उपस्थित दो पांच लोगों को अच्छी तरीके से नहीं महसूस करने दे रही होंगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ मेरे बुजुर्गों के माध्यम से, मेरे युवा साथियों के माध्यम से, आप लोग कमेटी निर्धारित करो। न्याय की बात प्रशासन करता है, न्याय की बात राजनीतिक पार्टियां करती है तो हम उनका मान सम्मान हमारे दिल और हमारे मान सम्मान से करेंगे। यदि इस परिवार के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले हम लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से मामला समझाया था। मैं आपका बच्चा हूँ, बालक हूँ, आप सबको मुझसे ज्यादा पता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि साथियों जो 24 अगस्त को जो घटना हमारे ग्राम गुहाला में हुई वो एक अप्रिय घटना थी। इस प्रकार की घटनाओं का हमारे समाज में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। साथियों बलभद्र राम जी एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए अपने प्राण की आहुति दी, जो कि इस प्रकार से प्राण की आहुति देना बिल्कुल हमारे समाज के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। साथियों आज हम यहाँ किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज, किसी भी प्रकार के व्यक्ति विशेष की खिलाफत करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा नहीं हुए। हम यहाँ इकट्ठा हुए मान सम्मान और सच्चाई की बात करने के लिए। मैं टापर हूँ, मैं ज्यादा राजनीतिक बातें घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। साथी महेंद्र बालक ने तो मुझे कहा कि ये इस प्रकार से मामला हुआ है और मैं इस मामले के लिए मीटिंग का सभा का आयोजन करना चाहता हूँ। तो साथियों मैं महेंद्र बालक को मेरे भाई से भी बढ़कर मानता हूँ, तो मैं तो इसके हमेशा भले की सोचता हूँ। तो मैंने जितना मैं राजनीति को यहाँ की समझता हूँ तो मुझे लगा कि भाई महेंद्र तू छेनी समाज के वोटों को बिना कभी सरपंच नहीं बन जाएगा, बन पाएगा। और यदि तू ये मीटिंग करेगा तो उनको लगेगा कि हमारे समाज की खुली खिलाफत हुई है। तो मैं तो चाहता हूँ कि तू इसके यदि सामान्य तौर पर अकेला जाके निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिए ज्ञापन दे कहते हैं तो ठीक है, वरना ऐसी सभा का आयोजन करेगा तो शायद वो लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे और कभी तू राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस भाई ने तो जवाब दिया, उस जवाब का मैं कायल हो गया। इस भाई ने कहा कि ऐसी तैसी है राजनीति, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। यदि मैं सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो मुझे ऐसा नेता नहीं बनना। चाहे मेरी राजनीति खत्म हो जाए, चाहे जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूं, लेकिन इस मामले का मैं लोगों के सामने लाकर रहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी, आप लोग भरोसा रखो और आप चाहो तो आप जिस अधिकारी को बताओ उसको जांच के लिए। अगर आपको इनसे जो जांच कर रहे हैं इनसे अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जांच सही नहीं कर रहे हैं तो आप उनको बता दो कि भाई ये निष्पक्ष आदमी है उससे जांच करवा दो। जिले का बता दोगे तो आसानी से लग जाएगा। ऐसी लगा दीजिए।
काम नहीं कर रहे ना सही अनुमानों की सारी बात रामगढ़ जनता जो सामने आई बात की भाई दूध को दूध पानी को पानी को मत करो। मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, तैयारी बोला तो मैं सही कर रहा हूँ बात कही सही बोल रहे हो। देखो दो ने तो साहब 300 दोनों पकड़ लिया ना। देखो अब घटना कोई होती है ना तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होता ही। अब वो जो उन्होंने गिरफ्तार दो आदमी किए गए, दो आदमी किए तो जमानत पे छूट जाएंगे उसमें इसी बात पे। आदमी मरा है ये तो फैक्ट है, तो अपन उसको इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि भाई आदमी मरा है। अब अपन ये कह रहे हैं कि भाई वो उसने सुसाइड किया है, अब तो बात तो यही है ना कि भाई उसको किसी ने मारा है, सुसाइड किया। और घरवाली है वो उसमें गवाह है भाई, उसने ये इन्होंने देखो गवाह तो आप जो कह रहे हो दो आदमी ऐसे थे, तो ऐसे आदमी भी मिल ही जाएंगे कि जो घर वालों के अलावा होंगे ऐसी। अब इस बात का ये कह रहे हैं कि भाई शंकर को बुला लो और आप अपने सामने बात कर लो, तो मैं इनके सामने एक आदमी के सामने चाहे तो ये आ जाए, चाहे आप आ जाओ, चाहे ये आ जाए, कोई साथ जा कोई भी शंकर भगवान का नाम सुनो अच्छे कर जो। हाँ शंकर भगवान का नाम से न्याय की न्याय पानी का पानी छान के आ जाओ। बाकी शिकर की अपडेट खातर बने रहो झलको शिकर पर। जय राजस्थान, जय हिंद।